21 दिनों की तालाबंदी में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब लोगों को हो रही है। सरकार ने भले ही राहत पैकेज को ऐलान कर दिया हो, लेकिन अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, और ऐसे लोगों का पेट भरने के लिए यूपी में कांग्रेस ने रसोई चलानी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट देखिए। देश पर मुसीबत भारी है, शहर शहर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते और गरीब दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते। सरकार तो राहत पैकेज का ऐलान करके गरीबों तक खाना पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन आज भी कई गरीब परिवार राशन कार्ड में नाम न होने के कारण भूखे सोने को मजबूर हैं। अब ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। जी हाँ, यूपी में गरीबों के लिए कांग्रेस ने सांझी रसोई की शुरुआत की है। यूपी कांग्रेस कमेटी ने पार्टी मुख्यालय के बाद अब कई जिलों में भी इसकी शुरुआत कर दी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साझी रसोई की शुरुआत प्रदेश मुख्यालय से शुरू की है। ये रसोई अब हर जिले में शुरू हो चुकी है। इस क्रम में गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में रसोई की शुरुआत हो चुकी है और जरूरतमंद लोगों को खाने का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। साफ है कि कांग्रेस पार्टी मुसीबत की इस घड़ी में सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार का ध्यान उन पहलुओं की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं जो देश के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टरों की सुरक्षा, मजदूरों और गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था समेत कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को चेताने की कोशिश की है। और अब सरकार के राहत पैकेज के ऐलान के बाद भी जिन गरीबों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, उन लोगों के लिए रसोई लगाकर पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि मुसीबत की इस घड़ी में कांग्रेस देश के साथ खड़ी है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।